स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले कल खेले गए बेहद रोमांचक मैच केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल। जो मैच का जो चार्म जिसे कहते हैं, जो इंटरेस्ट कहते हैं, वो कल के मैच में और पिछले दो दिनों से देखने को मिला कि जिस तरह की क्रिकेट एटलीस्ट खेली जानी चाहिए थी, वो क्रिकेट और वो गेंदबाजी के ऊपर निर्भर था। वापस लौट रही है मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूँ, तो कहीं मत जाइए, चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्रिकेट के और मैच का पूरा विश्लेषण बहुत मजेदार तरीके से आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। इससे पहले एक मैच आपने सुन रहा आपको राजस्थान रॉयल्स वर्सेज लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच दिखा था, इसमें किस तरीके से के राहुल ने एक शानदार कप्तानी करते हुए 154 के लोअर तो स्मॉल टोटल को भी डिफेंड किया था राजस्थान रॉयल्स के सामने। और उसके बाद से कल का मैच केकेआर वर्सेस आपका दिल्ली कैपिटल, जिस तरीके का मैच था कि आई थिंक केकेआर की तरफ से जो बल्लेबाजी में सबसे बड़ा फेरबदल गुरबाज और जगदीशन को आउट करके जयसन रॉय और लिटन दास को आएगा ओपनर, जैसे वो दोनों खिलाड़ी फ्री हुए टीम में शामिल कर लिया गया एज ओपनर वो खिलाएगा। फर्गूसन को वापस भेज दिया गया क्योंकि दो विदेशी प्लेयर टीम में शामिल कर लिए गए थे एज ओपनर जो एक और दोनों ही खिलाड़ी चाहे जयसन रॉय हैं चाहे लिटन दास, इनकी काबिलियत तो हम शक नहीं कर सकते। जयसन रॉय के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो जिस तरीके के प्लेयर हैं, जिस इम्पैक्ट वो खेलते हैं, अगर वो स्टार्ट पाते हैं 20 से 25 रन का तभी एक बड़ा स्कोर लगा पाते हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं वो थोड़े से शैल में अपने आप को जरूर डाल देते हैं, ना उन्हें दिक्कत पेश होती है। लेकिन लिटन दास एक मजे हुए परिपक्व खिलाड़ी है, वो सिचुएशन और हालातों के हिसाब से खेलना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन कल जो डीसी गेंदबाजी रही और सबसे बड़ी बात ईशांत शर्मा के लंबे समय बाद टीम में वापसी करते हुए तो जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, अक्षर पटेल ने जो गेंदबाजी की है, मुकेश कुमार ने जो गेंदबाजी की है, नॉर्थ इंडियन ने जो गेंदबाजी, आई थिंक मिला जुला प्रदर्शन, एक गेंदबाज का ऐसा प्रदर्शन नहीं था जिन्हें चार या पांच विकेट निकाल लियो। ईशांत दो विकेट निकाली है, आपका कुलदीप यादव को दो विकेट मिली है, आपको नॉर्थ इंडियन को दो विकेट मिली है, अक्षर पटेल को दो विकेट मिली है, एक विकेट मुकेश कुमार को मिली। तो ये जो प्रदर्शन है लास्ट विकेट रन आउट हुआ, इसमें दिखाता है कि किस तरीके से हर गेंदबाज ने अपनी अहमियत को समझा, अपने रोल को समझा, उस हिसाब से गेंदबाज की। सबसे पहले बॉलिंग चार्ट पर नजर डालते हैं। ईशांत शर्मा 4 ओवर 19 रन 2 विकेट, मुकेश कुमार 4 ओवर 34 रन 1 विकेट, इकलौता गेंदबाज क्योंकि लास्ट ओवर जिसकी कहानी अभी लिखी जानी है और मेरी जुबानी आप लोगों को पता चलने वाला है, उस लास्ट ओवर के बारे में बताऊंगा आपको। नॉर्थ इंडियन 4 ओवर में 20 रन 2 विकेट, अक्षर 3 ओवर 13 रन 2 विकेट, मिचेल मार्श 2 ओवर 25 रन, दूसरा महंगा गेंदबाज और कुलदीप यादव 3 ओवर 15 रन 2 विकेट। तो ये गेंदबाजी का चार्ट इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरीके से हर एक गेंदबाज अपना रोल समझते हुए उसके अकॉर्डिंग ही गेंदबाजी की। केकेआर के अगर ओपनिंग स्लॉट से लेकर डाउन जो ऑर्डर देखें तो कल एक टीम मजी हुई सुदृढ़ नजर आई थी, लेकिन उस टीम में गेंदबाजी की तरफ से जो एक गेंदबाजी दिल्ली ने की उसने केकेआर को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। मैं ये कह सकता हूँ जैसन रॉय के लौटे गेंदबाज 43 किया जिसमें मिचेल मार्श के उन्होंने 2 ओवर में 6 रन भी मारे थे 63, उसके बाद से लिप्टन दास, वेंकटेश अय्यर, आपका नीतीश राणा, मनदीप, रिंकू सिंह, द सेंसेशनल रिंकू सिंह, आई थिंक कोई भी खिलाड़ी डबल डिजिट में पहुंच नहीं पाया और इसका एकमात्र कारण था बेहतरीन गेंदबाजी और कुछ गेंदबाजी और कुछ बल्लेबाजों द्वारा थोड़ा सा लचीलापन दिखाया गया। लेकिन लास्ट का 16 ओवर से 20 ओवर तक मैं खेल आप लोगों को बताता हूँ, जिस 9 विकेट गिर चुके थे, आपका रशल क्रीज पर मौजूद थे, उनके साथ थे चक्रवर्ती। लेकिन देखिए जब आपके सितारे गर्दिश में होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आपके सितारे जब गर्दिश में होते हैं तो आप कुछ भी बेहतरीन करने की कोशिश करें वो खराब ही होता है। कल ऐसा ही एंड्रे रसल के साथ हुआ जब वो स्ट्राइक पे थे, वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो किसी भी गेंद को किसी भी समय सीमा रेखा के बाहर पहुंचा सकता, लेकिन जो कल गेंदबाजों की रणनीति थी, चाहे मुकेश कुमार थे चाहे नॉर्थ इंडियन थे, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है वो पूरी गेंदबाजी उन्हें, ये तेज गेंदबाजी के बारे में बता रहा हूँ कि उन्हें यॉर्कर पैरों के अंदर जाते ही गया। ये तो रही तेज गेंदबाजी का विकल्प कि तेज गेंदबाजों ने कौन सा एक रास्ता चुना है एंड्रे रसल को रोकने के लिए। लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव का 19वां ओवर जिस तरीके से उन्हें मात्र 2 रन दिए और जिस तरीके से वो गेंदबाजी थी, पूरा और 5 गेंदें खेली एंड्रे रसल ने लेकिन एक भी गेंद पे वो
बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश हर गेंद पे थी, लेकिन सफल किसी गेंद पे नहीं। और एक गेंद 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी कुलदीप यादव की। तो ये आप देख सकते हैं कि एक गेंदबाज के तौर पर दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों ने कितना बढ़िया होमवर्क कर रखा। और इसके उलट जब विश्व और मुकेश कुमार लेके आए तो उस समय एंड्रे रसल ने 3 गगनचुंबी छक्के लगाए, और वो जरा सी गेंद उनके स्लॉट में थी, जरा सी वो गेंद उस जगह पिच हो जाती जहां वो ओवर पिच बन रहा था, और वहां से एंड्रे रसल को यही चाहिए थी कि गेंद उनके आगे थोड़ा बहुत इधर उधर हो और वो एक लंबा बड़ा शॉट लगा पाए। तो कब उनकी उस 3 गगनचुंबी छक्कों से टीम का स्कोर 127 रन तक पहुंच पाया। और एक फाइटेबल टोटल तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जिस तरीके की गेंदबाजी दिल्ली गेंदबाजों ने की और अरुण जेटली स्टेडियम में जो एक गेंदबाज के लिए विकल्प दिख रहा था, क्योंकि काफी लंबे समय बाद हर एक गेंदबाज अपनी तरफ से बेहतरीन कर रहा, तो कहीं ना कहीं केकेआर के गेंदबाजों में थोड़ा बहुत तो उत्साह होगा, शायद यहाँ हम भी कुछ कर सकते। स्कोर बस 140-150 लेकिन उतना बन नहीं पाया, लेकिन इसके बावजूद जब दिल्ली कैपिटल 127 रन के लक्ष्य का पीछा कर उतरी तो वहां डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। आखिर बात दिल्ली को भी टफ डिसीजन लेना होगा कि पृथ्वी शॉ को शायद माइट भी 2-3 मैचों के लिए रिप्लेस कर दिया जाए, ये दिल्ली के फ्यूचर के लिए बढ़िया होगा। उसके बावजूद वार्नर ये इकलौता खिलाड़ी, मैंने हर बार जब भी दिल्ली की मैच के विश्लेषण किया इस खिलाड़ी के बारे में इतना जरूर कहा कि एक खिलाड़ी हर बार अपने दम पे अपने बलबूते पर टीम का भार धोता नजर आया। कल भी 57 रन की 41 गेंद, लेकिन पृथ्वी शॉ 13 रन चक्रवर्ती गेंद पे। और कल देखिए मुकुल रॉय, नीतीश राणा, 2-2 विकेट, स्पिन गेंदबाजी। और जो विकल्प मैं बता रहा हूँ दिल्ली की गेंदबाजी में, देख लिया अक्षर और कुलदीप यादव ने जिस तरीके से स्पिन गेंदबाजी की थी, और यहाँ देखिए आपका मुकुल रॉय और नीतीश राणा ने जिस तरीके से स्पिन गेंदबाजी की, वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके से स्पिन गेंदबाजी की, 6 विकेट निकाली उनकी। और मैच जो फिनिश बॉल हुआ था 19.3 ओवर में सांसें रोक देने वाले मैच की कल्पना आप कर सकते हैं किस तरीके से होगा, बड़ा ही टफ सिचुएशन। मनीष जब अगर मिचेल डेविड वार्नर को छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, विल शॉट ये सभी बल्लेबाज दहाई का पार नहीं कर पाए, और कारण मुकुल रॉय और नीतीश राणा की बेहतरीन गेंदबाजी। मनीष पांडे ने थोड़ा बहुत हाथ दिखाया, 21 रन बनाया, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल 19 रन नॉट आउट रहे और ललित यादव ने 4 रन बनाया। लेकिन इस पूरी मैच के बारे में गेंदबाजी, मैंने दोनों तरफ की गेंदबाजों की गेंदबाजी के बारे में आपको बता दी, जो बेहतरीन विकल्प निकल के आया अभी तक का, मैं पिच के बिहेव को कभी भी सीरियसली नहीं लेता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि पिच इफेक्ट भी डालती होगी, हाँ वेदर थोड़ा फर्क जरूर डालती, लेकिन एक चीज दोनों तरफ से स्पिन गेंदबाजी चली, और जिस तरीके से गेंदबाजी दिल्ली की तरफ से हुई, स्पेशली तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को अगर छोड़ दिया जाए तो जिस तरीके की गेंदबाजी दिल्ली की तरफ से तेज गेंदबाजों के द्वारा हुई वो एक बेहतरीन नजर आया। आई थिंक दिल्ली की गेंदबाजी अब थोड़ी बहुत पटरी पर लौट रही है। केकेआर की तरफ से उमेश यादव 1 ओवर में 6 रन दिए, कुलवंत खुजेजा को 1 ओवर 2 दिए 1.2 ओवर, एंड्रे रसल को भी 1 ही ओवर दिया गया। उसके बाद से जो गेंदबाजी का विकल्प पूरी तरीके से स्पिन बॉलरों पर आ गया, चाहे नारायण 4 ओवर में 36 रन, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 1 मैडम 16 रन 2 विकेट, अंकुल रॉय 4 ओवर में 19 रन 2 विकेट, और नीतीश राणा 4 ओवर में 17 रन 2 विकेट। अगर यहाँ थोड़ा बहुत सुनील नारायण ने कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश की होती 4 ओवर में जो 36 रन ना देके, और इन्होंने भी 20-22 रन 18 रन दिए होते तो ये मैच आप सोच सकते कहाँ गया। उसके इनके 1 ओवर में जो एक बड़े शॉट आपका मनीष पांडे ने जो खेला वो ही मैच का पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ मैच का प्लस पॉइंट वही था कि जहाँ उस ओवर में पांडे ने बढ़िया बेहतरीन शॉट लगाया उनके उस ओवर में, और जो फंसता हुआ मैच आ रहा था, जो दिल्ली की तरफ मैच झुकता हुआ दिख रहा था, केकेआर की तरफ झुकता हुआ मैच दिख रहा था, तुरंत ही दिल्ली के फाले में पहुंच गया। आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन विकल्प रहा। और ये चीजें देखिए गेंदबाजी जो बेहतरीन हो रही है दोनों ही तरफ से, और इसी का पूरा फोकस आगे आने वाला मैचेस में पड़ने वाला है। अगर टीमें इसी तरह से बेहतरीन गेंदबाजी करती रही तो शायद ये एक बेहतरीन टूर्नामेंट बन के निकलेगा। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएगा, कमेंट करने के कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पर भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो में चलते हुए दिखा देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और परिवार का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।